हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जो पहला पार्ट है आपका वो है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अभी मैं पहले लेक्चर में आपको बताया हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है, हम आवेश का अध्ययन करते हैं इसमें। तो हमें पता होना चाहिए कि आवेश है क्या। ओके, जब तक हमें नहीं जानेंगे कि आवेश क्या है, आने वाले 3 से 4 महीने आप फर्स्ट पेपर ही पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और केवल चार्ज के इफेक्ट ही आप पढ़ेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। ओके, तो चलते हैं घरेलू एक्सपेरिमेंट। ओके, कि चार्ज है क्या। देखिए, कभी आप ये अनुभव करते होंगे कि जो कंघा होता है घर पे, कंघे को अगर आप सूखे बाल में रफ करते हैं और कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास लेके जाते हैं, धूल के छोटे छोटे कणों के पास लेके जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आप देखे होंगे ये घर पे, या आप कभी ये महसूस किए होंगे कि पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं, कभी आप झटके से उतारते हैं तो आप देखते हैं कि चट चट सी आवाज आती है, या कभी कभी रात में आप अंधेरे कमरे में उतारते हैं तो आप देखेंगे कि चिंगारी भी निकलती है। ओके, तो ये सब तो आपका बेसिक है। अभी आप ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जो गुब्बारा होता है फुला फुला के उड़ाते रहते हैं आप लोग घर पे, अगर आप उसको सूखे बाल में रगड़ते हैं और कहीं दीवार पे चिपका कर तो चिपक जाता है, या वो भी छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब क्लास खुलेगा तो हम ऐसे 200 एग्जाम्पल 50 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसे गुड़ उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ये गुड़ आता कहाँ से है, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थेल्स था, उन्होंने देखा अंबर नामक पदार्थ को जब भी ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। वो बड़ा सरप्राइज थे। बाद में ये देखा गया कि ऐसा नहीं है, केवल अंबर ही नहीं, प्लास्टिक है, ग्लास रॉड है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट में ये प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ओके, तो इस सीरीज में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये एक्चुअली होता किस कैसे है, जैसे आप देखते हैं कि बादलों का गर्जना, स्पार्किंग, पत्थर रगड़ते हैं चिंगारी निकल जाती है, क्या है चार। तो रगड़ने से होता क्या है, जब भी आप किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वो दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, और दूसरी वस्तु में चले जाने से एक में इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं, इलेक्ट्रिफाइड हो जाती हैं। ओके, तो जब भी वस्तुएं इलेक्ट्रिफाइड होती हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेती हैं, और जिसके कारण वो दूसरी वस्तु पे वैद्युत बल आरोपित करने लगती हैं। ठीक है, तो आवेश क्या होता है, तो आवेश को हम सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी पार्टिकल आर एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल और अनदर अनचार्ज पार्टिकल। ओके, तो इस एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ग्लास रॉड लिया गया, ठीक है, और इसको रेशम से रगड़ा गया। एक ग्लास रॉड को रेशम से रगड़ के दूसरे ग्लास रॉड को भी रेशम से रगड़ के दोनों को जब पास लाया गया तो ये देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें प्लास्टिक रॉड लिया गया और कैट फर यानी बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। इसे बिल्ली के खाल से रगड़ने पे और जब दोनों प्लास्टिक रॉड को बिल्ली के खाल से रगड़ के पास लाते हैं तो ये देखा गया ये दोनों भी क्या करते हैं, रिपेल इच अदर यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक ग्लास रॉड लिया और एक प्लास्टिक रॉड लिया, एक प्लास्टिक रॉड को बिल्ली के खाल से और इसको हमने रेशम से रगड़ा, जब दोनों के एक दूसरे के पास लाते हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, यानी ये दोनों आकर्षित करते हैं, भ्रांतियां पैदा हो गई कि एक साथ दो दो प्रॉपर्टी, कभी ये रिपेल कर रहे हैं कभी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हमें पता चला कि चार्जेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक इसमें और एक इसमें। इसमें जो चार्ज उत्पन्न होता है वो दूसरे काइंड का है, इसमें जो उत्पन्न होता है वो दूसरे टाइप का है। ठीक है, तो बाद में इसके दो टाइप जो है वो डिफाइन किया गया और बताया गया कि एक जो चार्ज है उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव मान लिया, दूसरे टाइप के चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निगेटिव मान लिया।
अब ये पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाते हैं वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। ओके, तो चार्जेज आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज निगेटिव। पॉजिटिव मीन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड निगेटिव मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इट मीन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और निगेटिव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।